व्हाट्सएप एक नए फीचर को रोल आउट करने जा रहा है जो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप डिसअपेयरिंग मैसेज नाम का एक फीचर लॉन्च कर रहा है, जिसे यूज़ करके आप सभी जिससे भी बात कर रहे हैं उसकी चैट में से आपकी जो भी चैट रहेगी वो अपने आप है जो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है ये डिसअपेयरिंग मैसेज नाम का फीचर, कैसे इसे यूज़ करना है, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं WhatsApp के इस नए फीचर के बारे में। तो दोस्तों WhatsApp एक नए फीचर पर बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा था और इस नए फीचर को जल्द ही सभी के पास रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी भी डिसअपेयरिंग मैसेज नाम के इस फीचर को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ये फीचर और कैसे हमारे ये काम में आने वाला है। तो डिसअपेयरिंग मैसेज नाम का ये फीचर, जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे, अगर आपने इस नए फीचर को ऑन किया होगा तो उस समय क्या होगा, जिससे भी आप WhatsApp पर बात कर रहे होंगे तो आपकी जो भी चैट रहेगी उस व्यक्ति के साथ 7 दिनों के बाद है जो खुद ही वो डिलीट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में आप जिससे बात कर रहे होंगे वही सेम मैसेज आगे वो किसी और को सेंड कर देता है और उसने डिसअपीयरिंग मैसेज नाम का ये फीचर को ऑफ किया होगा तो उसके पास से ये मैसेज जो डिलीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपने जिसे भी अपने मैसेज डायरेक्ट सेंड किए होंगे उसके पास से 7 दिनों के बीच में आप सभी के मैसेज जो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप डिसअपीयरिंग मैसेज नाम के इस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी ने प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है और उसके बाद आप सभी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और जिसके साथ है जो आप है जो डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन करना चाहते हैं बात करते समय, तो आप सभी ने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप सभी को डिसअपीयरिंग मैसेज का ये है जो सेक्शन नज़र आ जाएगा, तो आपने सिंपल इसे ऑन कर लेना है, जिसके बाद 7 दिनों के बाद उस व्यक्ति के पास से आपकी चैट डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।